फायदे में रहते हैं कि वो बेर सारा साल ही खाते हैं, तो दूध भी उनके लिए इफेक्टिव हो जाता है। अब हमारे यहाँ एक तो सेब महंगा बहुत हो गया, अब तो बहुत ही महंगा हो गया, और दूसरा बच्चे नखरे करते हैं, खाते भी नहीं है। हमने उनको जंक फूड की आदतें डाली हुई है, उनको कोका कोला ले दो, स्प्राइट ले दो, चौसा जूस पिला दो, और अगर उनको कोई सेब खा लो तो शुरू हो जाती है। इस वजह से अव्वल तो वो दूध शहरों में खालिस मिलता भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत उसके अंदर होता भी है कैल्शियम वगैरह, वो फायदा नहीं देता। इस वजह से नहीं देता कि वो विटामिन सी का इंटेक पूरा नहीं कर रही। अच्छा, पोटेशियम का सोर्स जो है बहुत बड़ा, पोटेशियम का केले हैं, और ये टांगों के दर्द के लिए इक्सीर है। यानी पर्सनली हमने ये आजमाया कि नूरुल हुदा जो है माशाल्लाह हेल्दी बच्ची है, लेकिन जब इसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसने रोना शुरू कर दिया रोज आकर कि मेरी टांगे दुखती हैं। पहले तो दो चार दिन हमें तवज्जो नहीं दी कि स्कूल जाना शुरू किया तो बाह नहीं कर रही है, मगर ना तीसरा चौथा दिन था तो वो बहुत रोई, बहुत रोई। तो 3-3.5 साल का बच्चा कितना बहाना लगा सकता है, तो उसके शिद्दत से रोने से मैंने कहा कि नहीं, इसको वाकई तकलीफ है। तो यानी डॉक्टर को भी दिखाया, उसने कहा कुछ नहीं, इसको ना वीकनेस है। हालांकि वैसे तो मोटो सी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसको वीकनेस है, तो इसको ये टैबलेट दो, वो टैबलेट दो। तो मैंने कहा कि इसको कोई टैबलेट मत दो, इसको केले खिलाओ रोज के ना, क्योंकि टांगों के इतना यानी मैंने पढ़ा था कि टांगों में अमूमन दर्द पोटेशियम की कमी से होती है। तो बहरहाल मैंने कहा कि ये केले इसका सोर्स है, तो आप खिलाएं। तो वाकई उसको केले खिलाने शुरू किए तो उसका टांगों का दर्द खत्म हो गया, और अभी तक ये हो गया है कि अगर वो 2-3 दिन केला ना खाए तो वो टांगों का दर्द लौट आता है, वाकई लौट आता है। फिर उसको डांट डपट के 2-3 केले खिलाते हैं तो 2 दिन बाद वो ना दर्द होता है ना कुछ। तो देखिए, पोटेशियम का ऐसा आला सोर्स है केला। तो ये जो फल है ये सारे हमारे लिए खजाने हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ अल्लाह ने जो है ना विटामिंस ये भर दिए। तो बजाय इसके कि ये गोलियां खाओ, वो गोलियां खाओ, वो गोलियां खाओ, बंदा हर तरह का फल खाए, कोई पसंद नहीं है तो भी खाओ, थोड़ा बहुत मौसम का जो फल है उसको खाएं, तो आप देखें कि बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और आप खुद भी सेहतमंद रहेंगे। तो अल्लाह यही फरमा रहे कि मैंने इतने फल तुम्हारे लिए पैदा किए। अब देखें, हर चीज के एक से ज्यादा सोर्स है, जैसे विटामिन सी का एक सोर्स स्ट्रॉबेरी भी है। अब जिसको सेब बिल्कुल ही नहीं पसंद, वो खा ही नहीं सकता, तो फिर क्या करें, स्ट्रॉबेरी खा ले। अच्छा, सेब में एक और चीज है आयरन, खून की कमी के लिए। अब जो पालक नहीं खाता, क्योंकि पालक आपको पता है ग्रीन्स में है, तो जिनको यूरिक एसिड हो जाता है वो नहीं खा सकते, खाने की देर उनको दर्दें शुरू हो जाती, फिर क्या करें, सेब खा लो, सेब खा लो। यदि अल्लाह ने हर चीज के अल्टरनेट दिए हमें, ये नहीं खा सकते वो खा लो, वो नहीं खा सकते वो खा लो, कुछ तो खाओ, सेहतमंद जिंदगी गुजारो। हर चीज अल्लाह ने रख दी, सेब खाने की सलाहियत नहीं है, बेर खा लो। अब केला आपको पता है वो भी मौजूद है जो 200 रुपए दर्जन है, और वो भी मौजूद है जो 50 रुपए दर्जन है। तो यानी अल्लाह ने वैरायटी पैदा कर दी, जायका सबका अच्छा है, बल्कि मेरे अपने तजर्बे या टेस्ट के मुताबिक कह लें, सस्ते वाले जो केले हैं उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। जो महंगे केले हैं वो बड़े होते हैं, खूबसूरत होते हैं, मगर वो अंदर से हमेशा सख्त रहते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कच्चे हों, हालांकि होते नहीं है, मगर वो टेक्सचर ही ऐसा। इसके बाद जो चितली वाला हमारा केला है वो बहुत मजेदार है, और आपको पता है सस्ता बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है। उसमें भी जिनके साइज छोटा है ना, वो तो 30-40 रुपए उन्होंने लगाए होते हैं, और जिनका साइज थोड़ा बड़ा था वो 50-60 रुपए। यानी हर किसी के लिए अल्लाह ने हर चीज पैदा कर दी। चेरी कितना उम्दा फल है, और बच्चे खाते भी शौक से। तो ये सब अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसानात फरमाए। तो अल्लाह कहते देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ पैदा किया, खाओ पियो खुश रहो। इस बात से नहीं रोका कि खाओ पियो मत, वरना अल्लाह कहते ना कि ये क्यों अल्लाह मैं तुम्हारे लिए पैदा, अल्लाह पैदा ही ना करते पहली बात, और दूसरी बात कहते ये मत खाओ मत खाओ। खाने पीने से नहीं रोका अल्लाह ने, खाओ पियो अल्लाह को कोई एतराज नहीं है, मगर जिंदगी को बस खेल कूद ना बना लो। जिसम में कुव्वत भी इसलिए हासिल करो कि कोई काम करना है ढंग का, ये मकसद होना चाहिए। अब एक और अहम बात अल्लाह क्या कह रहे हैं, मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते जुलते। तो देखिए शक्लें एक जैसी होती है ना, ज्यादातर फल गोल गोल होते हैं, रंग भी मिलते जुलते, मगर जायके सबके मुख्तलिफ हैं। आम ही ले लें, अब सारे आम की बुनियादी शेप तो एक जैसी है, रंग भी दफली दफली एक जैसा, मगर टेस्ट सबका मुख्तलिफ है। जी नाम नहीं, नाम तो मुख्तलिफ है ना, सिर्फ नाम ही नहीं टेस्ट ही मुख्तलिफ है। अनवर टोल बिल्कुल ही और चौंसा और है, वाइट चौंसा तो
और व्हाइट चौंसे का कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं। दुशहरी और है, तोता परी और है। मैं एक दफा तोता परी लाई, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैं लाई, वो बस देखने का ही है वो खाने के लिए नहीं है। मैं हंस रही थी, मैंने कहा इसको मम्मीफाई करके रख लेना चाहिए ताकि बंदा दिखाए। खूबसूरत बहुत था, रेड भी था उसमें, ऑरेंज उसका कलर जो था ना, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ऐसे सजा हुआ, तो सच में तोता परी था। लेकिन वो जब खाने के लिए काटा तो एक एक आम सालों से खत्म नहीं हुआ, अजीब सा उसका बदमजा सा वो था। तो दूसरी तरफ चौंसा है कि आप रखते हैं लाकर और पता नहीं चलता कहाँ गए, है ना। अनवर टोल का भी यही होता है, आप ला के रखते हैं पता नहीं कहाँ गए। माशाल्लाह तो अल्लाह ने ऐसा जायका बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जो है माल्टा जो है सिट्रस फ्रूट जो है, फ्रूट जो है, इसमें आप देखें कि कितनी ही अकसाम है, मुसम्मी फ्रूटर, किन्नू, माल्टा, संतरा, नारंगी और ये मीठे। अब सबके जायके मुख्तलिफ है, मीठा कहीं से लगता है टेस्ट में कि वो भाई हो सकता है इन फलों का, लेकिन है। और किस कदर फायदा मंद है मीठा, कि बुखार में अगर मीठा चूसा जाए तो आप देखें कि बिल्कुल तो सही करते हैं। क्योंकि मेडिसिन अब हम लोगों ने बहुत अपनी जिंदगी में शामिल कर ली है, क्योंकि दौड़ लग रही है ना, काम पे जाना है, ये करना है। तो पहले तो यही होता था, बुखार चढ़ा था, जाओ दो दर्जन मीठे लाओ, ठंडे करके काट के चलो चूसो बैठ कर, और वाकई उससे फर्क पड़ता था, अफाका होता था, वो वाकई इफेक्टिव चीज है। जो साया करते थे, जापानी फल कितनी अच्छी चीज है, लोग नखरे करते हैं मगर इतना फायदा मंद फल है जिसकी हद में। तो अल्लाह रब्बे करीम ने ये सारे फल जो हैं, अभी यही जैसे हम बात करें सिट्रस फ्रूट जो है, ये कितना अच्छा है। सारा बाजार एक नस्ल है ना, लेकिन सबका जायका अलग है, असरात अलग है। तो थोड़ा बहुत इनके जो है ना वैल्यूज जो है इनकी, वो भी डिफरेंट है। बिला शको शुबा जी, पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन ममालिक में है जिसमें हर तरह का फल। मुस्तनसर हुसैन तारर एक कॉलम में अपने लिखा उन्होंने कि मैं अपनी दुकान पर बैठा था, उनके वालिद की बीजों की दुकान थी, तो वो कहते हैं मैं वहां बैठा था तो मेरे एक दोस्त लंदन के सैर के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ आए, इनके चार पांच फ्रेंड्स के साथ आए, तो उनमें से एक जो है वो उनके तालिबे इल्म के जमाने का फ्रेंड थे, तो उनके पास दुकान का पता था, तो ढूंढते हुए पहुंच गए। तो कहते हैं अभी हम दुआ सलाम कर रहे थे तो एक बड़ा ट्राला आया, और उसने आकर ना, सर्दियों का मौसम था, तो उसने आकर ना वो किन्नू सड़क के किनारे वो डाले, जैसे फुटपाथों पे लगा के बेचते। तो कहते वो हैरान हो गए, कहने लगे इतना फल। तो कहते मैंने उनको जूस पिलाया फ्रेश निकलवा कर, तो वो बड़े खुश हुए। तो वाकई माशाल्लाह इतना हमारा फल है कि आप जब ये नहर के किनारे से गुजरते हैं तो फलों की खुशबू इस कदर शदीद होती है कि उसमें इतना मीठा होता है कि बेर नहीं हो रहा होता है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। खास तौर पर आमों और खरबूजों के मौसम में हवा में इतनी मिठास घुली होती है कि वो आपके आसाब पर असरअंदाज हो रही होती है। इतना फल है पाकिस्तान में माशाल्लाह। नजर नहीं आती। असल बात यह है पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, उसमें से दो अहम चीजें, एक जो है गोश्त, हमारे सारे ऐसे जानवर जो हलाल गोश्त का जरिया है, और दूसरा फल। अगर हम इनकी जो है एक्सपोर्ट, इसी को हम सही संभाल लेना तो हम बहुत सारे मामलों में खुद कफील हो सकते। बस हम लोगों ने कुछ तो तवज्जो नहीं दी और कुछ सीरियस नहीं लिया, और तीसरा जो काम किया तो वो लूट कर खुद ही खा गए। और सिर्फ फल ही नहीं, हमारे चावल, पाकिस्तान और भारत जैसे चावल कहीं पैदा नहीं होते, लेकिन मसला ये है कि भारत अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए जा रहा है, पाकिस्तान के चावल कहीं दिखाई नहीं देते। ये सब अल्लाह के एहसानात हैं और नेमतें हैं। एक तो इन नेमतों का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा
शुक्र गुजारी करनी चाहिए। कुलू खाओ मिन समरी ही, इसकी पैदावार में से। देखिए अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, फल फूल खाया करो, खाओ पियो। अच्छा 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 फल, अच्छी चीज खाने से भी डिप्रेशन कम होता है, और जो है अजवा तो खास तौर पर डिप्रेशन में मदद देती है, उसको खत्म करने में। कुलू मिन समरी ही, खाओ उसकी पैदावार। इज़ा जब अस्मरा वो फल लाए, जब इन पौधों का फल आए तो खाओ पियो। इसमें अब क्या पता चला, बुनियादी उसूल, मौसम जब आए तो ताज़ा फल खाने चाहिए, ठीक है, उनमें ज्यादा गिज़ाइयत होती है। वह आतू और दो हक का हूँ, उसका हक यौमा हस्वादी ही, कटाई वाले दिन। फसलों में जो अल्लाह का हक है वो कटाई वाले दिन निकाल दो, उशर और होमस होता है ना, तो वो अदा करो। वला ना तो सिर्फ इसराफ करो, खाओ पियो अलबत्ता इसराफ ना करो। दो माने हैं, एक ये कि खाने पीने में हद एतदाल से तजावुज नहीं करना चाहिए, यानी ये ना करें कि जो चीज़ खाएं बेतहाशा खाएं। मेरी अम्मी का जिस तरफ घर है तो वहाँ एक फैमिली है, बहुत मोटे हैं वो लोग, मशहूर है, तो उनकी दूध की दुकानें हैं वैसे। तो एक दफ़ा मैंने देखा कि उनका एक बेटा 12-13 साल का होगा, लेकिन बहुत मोटा था, उसी हिसाब से थोड़ा लंबा भी था, तो वो खा रहा था ये क्या होती है ऑरेंज और छोटी छोटी लोकाट खा रहा था। तो कैसे खा रहा था, पूरी परात लोकाट की भर के, परात जिसमें आटा गूंथते वो भर के, तो उसने टेबल पे रखी हुई, और वो टांगे लटका के नहीं बैठ सकते थे, बहुत मोटे मोटे थे, तो एक टेबल पे उसने इस तरह दाएं तरफ रखी हुई और खुद चेयर पे बैठकर और अपनी टांगे दूसरी टेबल पर रखकर तो वो लोकाट खाए जा रहा था। तो इस हिसाब से जब आप खाएंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी जान पर जुल्म है। इसी तरह अब अगर किसी को शुगर है तो वो आम खाए जाए तो क्या होगा, या अंगूर खाए जाए तो बात यह है कि ऐसी सूरत में फिर आप, ठीक है फल है, मौसम का दिल भी चाहता है, तो एक आध खा ले, और जिस दिन आपने आम खाना है उस दिन फिर आप चावल और इस तरह की चीज़ें ना लें, यानी कि अपने आप को सही करके हर चीज़ का। इसी तरह जैसे मुझे अस्थमा है, तो अगर सर्दियों में मैं किन्नू ही खाई जाऊँ तो फिर मैं तो बीमार पड़ूंगी ना। तो हर चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस पर एक लतीफ़ा जो है, मुझे लतीफ़ा तो नहीं कहना चाहिए, मज़ेदार बात है इलामा इकबाल की। इलामा इकबाल को आम बहुत पसंद थे, तो जब बीमार पड़े थे डॉक्टर ने कहा अपने आम नहीं खाने, तो उन्होंने कहा मुझे आम बहुत पसंद है, तो उसने कहा अच्छा एक खा लिया करें। तो अपने उनके जो खादिम थे ग़ुलाम अली मोहम्मद अली क्या नाम था एक, हाँ नहीं, वो उन्होंने कहा कि बड़ा सा आम ढूंढ लिया, तो वो कहने लगे कि बड़ा साल क्यों, तो कहने लगे डॉक्टर ने कहा एक ही खाना तो डोंट बिहेव लाइक दिस, ठीक है ना। हर चीज़ में एक तो खाने में एतदाल रहना चाहिए, दूसरी बात ये है कि जब फसल उतरती है, फसल के उतरने के वक्त, कटाई के वक्त किसानों के पास पैसे आते हैं, ठीक है, साल में 2 दफा इनका सीजन होता है, तो जब फसल उतरती है तो ये फिर सब कुछ भूल जाती है कि हमने कितने कर्जे देने हैं, क्या करने, इन्होंने सारा कुछ फसल की कटाई के साथ रखा होता है, बच्चों की शादियां वगैरह। तो जिस वक्त फसल की कटाई होती है और पैसे आते हैं तो ये फिर लुटा छोड़ते, शादियों पर बेतहाशा खर्चे करते हैं और अपनी अयाशियों पर लगा देते हैं, और फिर बाद में बाकी अरसा जो है वो तंगी में इनका गुजरता है, क्योंकि अब इनकी अगली जो फसल है वो तो उतरनी है 6 महीने बाद, उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर पता है क्या करते, कर्जे ले लेते। लिहाजा ये किसानों का आम मसला है, कर्जे ले लेते हैं। अब जब कटाई का वक्त आता है और फसल उतरती है, वो कर्जों में चली जाती है, फिर खाली हाथ रह जाते, फिर अगले सीजन के लिए कर्जे ले लेते। तो अल्लाह ने यही फरमाया वला तुसरिफू, एक तो खाना फल खाने के माने में है ना, दूसरा अल्लाह ने कहा कि जब तुम्हारी फसल उतरे इसमें से मेरा हक अदा करो, यानी ज़कात दो, आपको पता है ज़कात का उशर होता है या खमस होता है, वो अदा करो, उसके बाद बाकी पैसा तुम्हारा है उसे इस्तेमाल करो, तुम्हें मना नहीं किया गया, लेकिन वला तुसरिफ, इसराफ मत करो, इस तरीके के साथ चलो, तुम्हें पता है कि 6 महीने बाद अगली कमाई आनी है, तो फिर 6 महीनों के हिसाब से अपने वो पैसे जो है इस्तेमाल करो,
ये नहीं कि महीने में खाकर फारिग हो जाओ और अगली फसल उतरने के भरोसे के ऊपर कर्जे लेकर बैठ दो, ये नहीं करो। एतदाल और इंतजाम, जितने पैसे हैं और जो आपका टाइम है, जो अखराजात है, सालों का एक हिसाब किताब तैयार करो और उसके मुताबिक अपने अखराजात, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा, अपनी इनकम से ज्यादा अखराजात, अगर हम अपनी जरूरियात पर अपनी आमदन से ज्यादा अखराजात करेंगे तो सारी उम्र कर्जदार रहेंगे। हर बंदे को ये चाहिए कि वो इसराफ से बचे। इसराफ क्या है? पैसे को यकलख्त खर्च कर देना और बाद में खाली हाथ रह जाना और शक्ल देखते रहना। तो जितना हमारा आमदन का दायरा है उसी के अंदर हमें अपने अखराजात सेट करने चाहिए। तो फिर सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए, जरूरी क्या है। जैसे हम शहर के लोग हैं तो बिजली का बिल देना जरूरी है, पानी का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीसें, घर का किराया, ये तो वो है जो हमें देने ही देने। उसके बाद कुछ ना कुछ मेडिकल के लिए रखना और घर का राशन वगैरह डालना। उसके बाद जो आसाइशात आती हैं कि भाई कपड़े खरीदने हैं, जेवर लेने हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी है, जूता लेना है बगैर सबब के, उन चीजों को फिर हम उस वक्त देखेंगे जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। तो इसी तरह एक बंदे की जब कमाई आती है 6-7 माह की, तो उसको पहले अपनी प्रायोरिटीज देखनी चाहिए, जरूरी चीजें, जरूरी चीजों के बाद फिर गैर अहम चीजें। यही अल्लाह इनको तालीम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप याद रखें कि मदीना वाले खास तौर पर ज़रात पेशा थे, है ना। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो ये सूद के कर्जों में झगड़े हुए थे। तो इसका सबब यही था कि जब फसल उतरती थी ये कर्जे ले लेते थे, लिए वैसे इन्होंने ज्यादातर जंग के लिए थे, लेकिन ये कर्जे ले लेते थे। अब जब फसल आती थी वो सूद में चली जाती थी, खुद ये खाली हाथ रह जाते थे। अगली फसल आती थी फिर सूद में चली जाती थी, ये तो फंसे हुए थे। ये तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान फरमाया कि इनके कर्जे फिर उतर गए। इन्नहु, बेशक वो, ला नहीं, युहिब्बू, वो पसंद करता, अल मुसरफीन, इसराफ करने वालों को। इन्ना, बेशक, हु की जमीर अल्लाह की तरफ है, वो, ला नहीं, युहिब्बू, वो पसंद करता, युहिब्बू मुजारे है, गायब है, वाहिद है, मुजक्कर है, अल मुसरफीन इस्म है, जमा है और मुआरिफा है। बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता, जो हद से ज्यादा खर्चे करते हैं अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि वो कभी भी अपने जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते, हमेशा मांगते रहते हैं अल्लाह से भी, बंदों से भी, और उनके इस इसराफ की वजह से पूरा सिस्टम खराब होता है, पूरा निज़ाम जो है ना खराब होता है, और सारे ही अफराद जो है वो मुतासर होते हैं, सिर्फ वो खुद अकेले मुतासर नहीं होते। इसी वजह से अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करते। वा और मिनल अनआमी, जानवरों में से, हमूलतन, बोझ उठाने वाले हैं, जानवरों में ऐसे जानवर हैं जो बोझ उठाने वाले हैं। वा और फर्शन, छोटे कद वाले हैं, जमीन से लगे हुए हैं। जानवरों में कुछ जानवर ऐसे हैं जो के बोझ उठाने वाले हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं। वह फर्शन, और कुछ ऐसे जिनके कद छोटे हैं, जैसे पोनी होता है। पोनी जो है ना ये घोड़े की किस्म है लेकिन इसकी हाइट बहुत कम होती है। तो ये अल्लाह रब्बे करीम ने मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ तरह के जानवर पैदा किए जो वहां पर सूट करते हैं। अल्लाह ने कहा सिर्फ हमने फलों से एहसान नहीं किया, तुम्हारे लिए जानवर पैदा किए, ये जानवर मजबूत हैं और बोझ उठाते हैं तुम्हारे लिए। कुलू, खाओ, मिम्मा, उसमें से जो, रजा का कुम, रिस्क दिया तुमको अल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ रिस्क तुम्हें दिया है वो सब खाओ पियो। इसमें फल भी शामिल हैं, जानवर भी शामिल हैं, पैसा भी शामिल है, जो कुछ अल्लाह ने दिया है खाने पीने के लिए, जो चीजें मिली हैं उन सब में से खाओ पियो। किसी चीज के खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि कोई खास खाना छोड़ दोगे तो मुत्तकी हो जाओगे। सब कुछ खाओ पियो, अलबत्ता क्या ना करो, वला तक तबेऊ, ना तुम पैरवी करो, खुतुवाती, कदमों की, अशैतानी, शैतान की, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बस शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यानी अल्लाह ने कहा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया इसलिए कि तुम अपनी सहूलत के लिए इसको इस्तेमाल करो, खाओ पियो, जिंदगी को आसान बनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज इस बात पर है कि तुम शैतान के रास्ते पर मत चलो, शैतान की पैरवी ना करो, ये है काबिल एतराज का।
और तकवा शैतान की पैरवी ना करने का नाम है, ना आके खाना पीना छोड़ने का नाम। इन्ना हो बेशक वो लकुम तुम्हारा दुवन दुश्मन है मुबीनुन खुला, उसकी पैरवी क्यों ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारा दुश्मन है। और दुश्मन क्या करता है, तबाही के प्लान करता है, इसलिए ने मत उसकी पैरवी छोड़ दो कि अल्लाह का कोई नुकसान कर सकता है वो। अल्लाह का तो महज एक हकीर बागी है जिसे अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, लिहाजा अल्लाह रब्बे करीम जब चाहे उसको खींच ले। अल्लाह को उससे कोई खतरा नहीं है, खतरा किसे है, हमें, वो हमारा दुश्मन है। उसने क्या चैलेंज दिया था कयामत के, सॉरी अलस्त के दिन, मैं इन सबको जहन्नुम में लेकर जाऊंगा, बुनियादी चैलेंज ये दिया था। भटकाना तो उसका जरिया है, उसने कहा था अल्लाह जी इसकी वजह से तूने मुझे जहन्नुम में डाला है, आदम की वजह से, आदम और उसकी सारी औलाद को जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह रब्बे करीम ने कहा था कि मेरे बंदों को तू बहका नहीं सकता, हाँ अपनी मर्जी से जो तुझे फॉलो करे सो करे, तो जो तुझे फॉलो करेगा उसे भी तेरे साथ जहन्नुम में डाल दूंगा। तो शैतान हमें जहन्नुम में पहुंचाना चाहता है, अल्लाह हमें शैतान से बचाना चाहते हैं, ना कि खुद अल्लाह को कोई खतरा है शैतान से, अल्लाह को कोई खतरा नहीं। समान यहाँ था आठ अजवाजिन जोड़े हैं, मिनवानी भेड़ में से, इसनैनी दो, भेड़ में से दो कौन से हैं, एक मादा और एक नर। व मिनल माजी और बकरी में से, इसनैनी दो हैं, भेड़ और भेड़नी, बकरा और बकरी। कुल कहिए अज़करैनी हर्रमा अमिल उन्सैयैनी, इनसे पूछिए क्या इन दोनों के मुज़क्कर हराम है या इन दोनों के मुअन्नस हराम है। अम्मा या इश्तमलत, जो मुश्तमिल है अलैहि इस पर, अरहामु पेट में, अल उन्सैयैन मादा के, या वो बच्चे हराम है जो मादा के पेट में है। इन्होंने अपने हलाल और हराम बनाए हुए थे ना, तो अल्लाह ने कहा इनसे पूछो बकरा हराम है कि बकरी, भेड़ हराम है कि भेड़नी, या इनके पेट में मौजूद बच्चा क्या हराम है। नब्बी ऊनी, बताओ मुझे भी, इल्मिन इल्म के साथ, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम हलाल और हराम के कायदे बनाने में सच्चे हो तो मुझे दलील के साथ बता दो। दलील क्या है, किसी वही का रेफरेंस लाना, कि तुम दीन इब्राहिमी पर हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आने वाली किताब का रेफरेंस लाकर बता दो इनमें से क्या हराम है। वमिनल इबिली, और ऊंट में से, इसनैनी दो हैं, यानी ऊंट और ऊंटनी। वमिनल बकरी, और गाय में से, इसनैनी दो हैं, यानी बैल और गाय। कुल कहिए अज़करैनी हर्रमा, क्या इन दोनों के मुज़क्कर हराम है, ऊंट और बैल हराम है। अमिल उन्सैयैनी, या फिर इनकी मादाएं हराम है, गाय और ऊंटनी। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सैयैनी, या फिर हराम है वो बच्चे जो मादाओं के पेट में। गाय और बैल, ऊंट और ऊंटनी हराम है, या फिर उनके बच्चे हराम है। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे, गवाह थे, इस जब वस्वाकुम, वसीयत की तुम्हें अल्लाह, अल्लाह ने भी हाजिर इस बात की। इनसे पूछो अच्छा जरा ये बताओ, हराम और हलाल के जो कायदे तुम बनाते हो, आपने पीछे तफसील से पढ़ा ना, जिस चीज के बारे में जो दिल चाहता था कायदा बनाया हुआ था, जो ऊंटनी 10 मादा बच्चे जन्म ले तो वो हराम है, जो बकरी जो है वो पहला बच्चा जो है वो मादा जने तो वो हराम है, तो तरह तरह की बातें बनाई हुई थी। अल्लाह ने फरमाया जो बातें तुम कहते हो कि ये हराम है ये हलाल है, ये हराम है ये हलाल है, तो हराम और हलाल के ये अहकाम जब अल्लाह दे रहे थे तो तुम वहां मौजूद थे, तुम्हारे सामने अल्लाह ने ये अहकाम दिए इब्राहिम को, पता है तुम्हें, दीन इब्राहिम ही पर कहते थे ना अपने आप को, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्या जब इब्राहिम को अहकाम दिए तुम मौजूद थे, तुम्हें पता है, तुम्हारे सामने थे, गवाही देते। फमन, तो कौन अज़्ज़मु, ज्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन, उससे, इफ्तरा, जो घड़े, अल्लाह ही, अल्लाह पर कज़िबन झूठ, ली ताके युजिल्लु, वो गुमराह करे, अन्नासा, इंसानों को, बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के। सबसे बड़ा जालिम वो शख्स है जो अल्लाह पर इसलिए झूठ गढ़े ताकि लोगों को गुमराह कर सके। अज़लमा क्या है, मुबालिगे का सीगा, सिफत है ये, और मुबालिगा है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा जालिम। इफ्तरा, उसने घड़ा, अल्लाही, अला हर्फ है जर का, और अल्लाही इसमें मजरूर है, और अल्लाही मुरक्कब जारी। काजीबन, एक झूठ, क्या है ये, इसमें नकीरा, लीला में ताकीद है, अलग कर दीजिए, युजिल्ला क्या है, मुजारे है, शाबाश, गायब है, मुजक्कर है, युजिल्ल नासा, अन्नासा इसम है, मुआरिफा है। बिगैरी इल्मिन, बाज़ेर बी ने गैर और इल्म दोनों को जेर दे दी,
तो अल्लाह फरमाते हैं सबसे बड़ा जालिम वो शख्स है जो अल्लाह पर इसलिए झूठ बांधता है ताकि लोगों को गुमराह करे। तो कौन थे ये झूठ बांधने वाले? बिल्कुल मुशरकीन का मजहबी तबका, जिन्होंने ये सारे अहकाम बनाए। एक मजहबी गिरोह होता है ना जो ये सारी बातें बनाता है फिर लोगों पे लगाता है, जैसे हमारा हाँ आलिमों का एक गिरोह है दीन के नाम निहार ठेकेदारों का, जिसने मिलाद के कवानीन बनाए हैं और उस पर किताबें लिख लिख कर झूठ गड़ा हुआ है कि जी मिलाद के लिए एक चादर भी दे दो तो जन्नत पक्की वगैरह। इसी तरह ये जो सोयम है, चेहलम है, जुमेराते हैं, ये जो घड़ी गई है तो एक बाकायदा तबका है ना जिसने घड़ी, आसमान से तो नहीं उतरे लोगों के जहनों में ये बातें। इसी तरह से जितने भी रिचुअल्स बने हैं बनाने वाले मौजूद हैं, तो अल्लाह पर बोहतान बांधने वाला बुनियादी तौर पर दीनी तबका होता है, वही झूठ बोलता है, तभी फिर ये बातें घड़ती चली जाती। इस हद तक घड़ी जाती हैं कि जिस वक्त आप सच्ची बात कहते हैं लोगों को यकीन नहीं आता, बिल्कुल, और बार बार बताने पर भी शरह सदर नहीं होता। जैसे यही ले लें कि कुरान हालत हैज में पढ़ना, तो कितनी दफा ये सवाल उठ चुका है। अब जो सूरत हाल क्लास में रही वही अब स्कीन पूरे चल रही, मैंने कितनी दफा बताया, तो वो अभी मुझे जो है वो बता रही थी जो वहां की ऑनर है कि वो कहने लगी कि वो ना खवातीन में ना इस बात को लेकर बहुत बहस है, तो एक दो खवातीन एक दूसरे मदरसे भी जाती है, तो कह रही हम वहां की आलमा को बुलाएंगे वो आकर बात करेंगे। तो मैंने कहा आप बुलाएं, सांच को आंच क्या, तो मैंने कहा बुलाएं। तो जहन नहीं मानते लोगों के कि हालत हैज में भी कुरान पढ़ा जा सकता, क्योंकि इस झूठ को इतना ज्यादा फैलाया गया। एक खातून मेरे पास आई मोहल्ले से भी, तो कहने लगी कि इस तरह मैं आई थी तो आपने कहा था कि हालत हैज में कुरान पढ़ा जा सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल कहा था। तो कहने लगी कि मैंने तो इतने आलमों को सुना तो सारे कहते हैं नहीं पढ़ा जा सकता, सख्त गुनाह है। मैंने कहा जी बात यह है, मैंने तो उसी वक्त कहा था कि पाकिस्तान में नॉर्मली आलम यही कहते हैं और मैं आलमों के बयानात को फॉलो नहीं कर रही, मैं तो कुरान और हदीस की बात कर रही हूँ, और सऊदी उलमा जो हमारा मरकज है इल्म का वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। तो कहने लगी लेकिन मैंने तो डॉक्टर फरज साहिबा को भी सुना, उन्होंने भी यही कहा। मैंने कहा मुझे लाकर सुना है, डॉक्टर फरज साहिबा ने कहा कहा कौन से लेक्चर में कहा, मैं लेकर आऊंगी, तो साल से ज्यादा हो गया वो अभी तक लेकर आ रही। यानी महज एक बात मनवाने के लिए लोग झूठ तक का सहारा ले लेते, कुछ समझ लेते कि शायद ये झूठ बोल रहा है तो हम किसी बड़े आलम का नाम लेंगे तो घबरा जाए। तो अल्लाह के फजल से मैंने तो सच्ची बात की, डॉक्टर साहिबा जो हैं वो सही सच्चा इल्म फैलाती हैं, तो मैं मान ही नहीं सकती को ये बात कहेंगी। मैक्सिमम वो वही कहेंगी जो सऊदी उलमा कहते हैं कि भाई अगर आपको शरह सदर नहीं है तो आप हाथ बदलत चढ़ा के पढ़ लो बस। तो मैक्सिमम डॉक्टर साहिबा यही कहेंगी और वो इस बात की कायल है कि हालत हैज में हाथ से ना पकड़े बल्कि ग्लव्स वगैरह चढ़ा के कर लो। तो उन्होंने बल्कि अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहा कि मैंने अपना पारा जो है ना लेमिनेट, उसका हर पेज जो है ना वो लेमिनेशन करा लिया हुआ है, तो ये भी एक तरीका है अगर आपको सहूलत हो तो। यानी वो इस बात की कायल हैं कि एहतियात कर ली जाए, कुरान को बेयर हैंडेड ना पकड़ा जाए। अब मुझे तो इस बात का इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा कि आप मुझे ला कर सुना, तो तब की गई अभी तक लौटी नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये झूठ इतना ज्यादा कहा जाता है कि सच मालूम होने लगता है और सच इतना छुप जाता है कि जब बताया जाता है तो लगता है झूठ है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इसलिए इन पर लानत है कि ये झूठ अल्लाह पर बांधते हैं, दो गुनाह करते हैं, एक तो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और दूसरा उससे मकसद क्या हासिल करते हैं, लोगों को गुमराह करना दीन से। अब जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलादुन्नबी का त्यौहार बना लिया इन्होंने, उसे ईदों की ईद करार दे दिया, दीन को बदल दिया, दीन में नई बात पैदा कर दी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान बांधा, सब कुछ कर लिया। अब जब बताया जाता है कि ये गलत है तो क्या कहते हैं, गुस्ताख रसूल है, रसूल अकरम से मोहब्बत ही नहीं है, हम उनका पैदाइश का जश्न मनाते हैं, इनको तकलीफ होती है ना। और ये इतने शिद्दत के साथ ये झूठ बोला कि आम अफराद को लगता है ये तो मुहिब रसूल है जो जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, और जिससे रोकते हैं वो तो माजल्ला रसूल अकरम वसल्लम के दुश्मन है, उनसे जलते हैं। इतना ज्यादा प्रोपोगंडा किया तो लोग बहका दिए गए, दीन को बदल दिया गया, और लोग इस कदर बेवकूफ है कि उनको पता नहीं है कि हम क्या जुर्म कर रहे हैं, हम दीन को बदल रहे हैं। तो इस वजह से ये झूठ बोलते हैं कि दीन बदल दिया, अल्लाह के दीन के दुश्मन है ना, तो दीन को बदलने के लिए कुछ तो ये झूठे लोग खड़े करते हैं और कुछ सच्चे मुहिब्बे वतन मगर बेवकूफ लोग, तो उनको लेकर दीन को
बिगाड़ पैदा कर देते हैं, रीमी उसकी शक्लें बदल देते हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला नहीं यहदी वो हिदायत देता, यहदी क्या है मुजारे मुजक्कर गायब, अलकौमा उस कौम को इस्म है और मुआरिफा है, अज़्ज़ालिमीना जालिम इस्म है मुआरिफा है जमा है मुजक्कर है। इन्नल्लाह ला यहदी अलकौम अज़्ज़ालिमीन बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता, यानी अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों को मैं हिदायत नहीं दूंगा। कैसे लोगों को, जो जानते बूझते हुए झूठ गढ़ते हैं महज लोगों को गलत रास्ते पर लगाने के लिए, उन्हें पता होता है वो झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे जालिमों को फिर मैं हिदायत नहीं दूंगा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूंगा। तो ये बड़ी आम बात है, जैसे हदीसें बनाकर लोगों को जो है ना वो झूठी हदीसें सुनाई जाती और जब पूछ लो तो फिर गजबनाक हो जाते। और ये मेरा, मैंने पर्सनली इस चीज़ को मुशाहिदा किया कि लोग अपनी बात को मनवाने के लिए ना कहते हैं हदीस है हदीस है, और मुझे एक से ज्यादा दफा ये एक्सपीरियंस हुआ, और हदीस को लोग हल्का समझते हैं सुना लेंगे। किताबों में पढ़ ली तो वो तो कहते बस पत्थर पे लिखी गई किताब, हमने पुरानी किताब में पढ़ा ऐसी बात है, वो आती नहीं है हक से सुनने के लिए। देखिए दो बातें, पहली बात यह है कि किताब में जो लिखा गया क्या वो कुरान और हदीस था, एक तो बात है ना, बात लिखने में क्या जितनी चाहे लिख लो। एक साहब है नाम क्या है उनका, अब नाम हुर्रम नहीं हुर्रम मुराद नहीं, कुछ नाम उनका जहन से मेरे उतर गया है, दज्जाल के नाम से किताब है उनकी, पूरा 6 किताबों का सेट है उनका, भारत के रहने वाले हैं, असरार हाँ असरार समथिंग नाम है उन साहब का, तो मेरे पास किताब पढ़ी भी होगी, 6 किताबों का सेट है, मुझे किसी ने दी और कहा कि ये बाकी किताबें मेरे मियाँ कारोबार के सिलसिले में जाते रहते हैं ना चाइना और भारत, तो कहने लगे कि भारत से मंगवाएं ना ये 5 किताबें बाकी, वो इंडिया की थी पब्लिश भी वहीं से हुई हुई थी, असरार आलम राइटर का नाम है, और उसने आखरत के अकीदों पर किताब लिखी है, ठीक है, उसमें आखरत में आपको पता है दज्जाल भी एक हिस्सा है, तो मैंने वही एक किताब पढ़ी। क्या उस बंदे ने बातें बनाई हैं, यानी हर अकीदे को उसने और ही शक्ल दे दी, बिल्कुल नई शक्लें। मैं मिसाल के तौर पर पेश करती हूँ कि आपने पढ़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनकी कौम कहने लगी कि हम फलस्तीन में दाखिल नहीं होंगे, हा हुना कौमुन जब्बारून, वहां पर एक बड़ी जाबिर कौम रहती है, जब तक वो निकल नहीं जाएगी हम दाखिल नहीं होंगे, पढ़ा ना आपने, तो वो जब्बार की डेफिनेशन में कहते हैं कि जब्बार से मुराद की ताकतवर कौम नहीं, हालांकि तारीखी तौर पर साबित है कि उस वक्त फुनिकियन आबाद थी, फुनिकी कौम आबाद थी, तो बहुत लड़ाका कौम थी जंगजू कौम थी, तो कहते हैं कि नहीं जब्बार असल में एक नस्ल थी जिन मर्द इंसान औरतों के साथ सेक्स करते थे जबरन, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए जो आधे इंसान आधे जिन थे वो जब्बार कहलाए। अब ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, इससे आप अंदाजा लगाएं कि किताब का क्या लेवल है। जी क्वेश्चन यही है, अब जो साहब जिन्होंने पढ़ी बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी है और दीनदार भी है, उन्होंने मुझे कहा कि देखें ये बिल्कुल एक अलग ही किताब बहन मैंने पढ़ी है, तो जब मैंने पढ़ी मैंने कहा कि इससे तो आप वो क्यों नहीं पढ़ लेते अलिफ लैला, या वो पढ़ ले किस्सा चहार दरवेश, तो कम से कम गुनाह तो नहीं ना होगा कि दीन के नाम पर तो नहीं है, कहानी है पढ़ ले, कहानी पढ़नी है तो वो कहने लगे क्या मतलब, उन्होंने मुझे साथ फरमाइश की कि ये पूरा सेट मंगवाए भारत से, मैंने कहा जी मैं क्यों मंगवाऊँ, ये जहालत का सेट जहाँ पर है वहीं में पढ़ा रहने दे, जो बातें साफ फरमा रहे, और हर अकीदा उन्होंने इसी तरह बदल लिया ना, कुरान की हर टर्म की अपनी मर्जी की वो बना ली, और दज्जाल की भी और ही तशरीहात, और मैंने उनसे सवाल ये किया, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं जितनी बातें ये बंदा कह रहा है इसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, इस पर वही आई है नहीं आई, तो फिर ना कुरान ने बयान किया ना हदीस ने बयान किया ना इस पर वही है, तो उसको सब कुछ पता कैसे चला, कहाँ से लाए ये सारा कुछ मन घड़त बातें। तो बात यही है कि किताब में लिखा है इससे क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन किसी ने मुझे एक स्टिकर सेंड किया था, उसका मैंने आंसर भी दिया था कि सुन्नी आलम फलां फलां हैं, अब मुझे नाम याद नहीं, फलां सुन्नी आलम की फलां किताब की फलां सफ़े पर लिखा है कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु अम्मा आयशा के पास जब आते तो अली की शक्ल देखते रहते, ठीक है, अब अम्मा आयशा ने कहा कि आते आप मेरे घर शक्ल अली की देखते रहते, तो अबू बकर कहने लगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली की शक्ल देखना भी इबादत है, चलो ठीक है, किताब में लिखा हुआ है।
पहली बात ये कि ये हदीस है ना, हदीस हो गई ना ये बात, तो हदीस का रेफरेंस क्या है, कहाँ से आई ये हदीस, हदीस की कौन सी किताब से ली गई। दूसरा सवाल ये है कि क्या अली रजी अल्लाह अन्हु आयशा के घर में रहते थे, क्या अबू बकर जब आते थे बैठ के अली को देखते थे, यानी कि अली आयशा के घर में रहते थे। जब तक अली रजी अल्लाह अन्हु की शादी नहीं हुई थी, अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में रहते थे साहबे सुफा के साथ, और जब शादी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर ले दिया। बिल्कुल सही कहा, इतना बड़ा इल्जाम सर पे लगा दिया, क्योंकि अली रजी अल्लाह अन्हु और अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का कोई रिश्ता तो आपस में नहीं ना बनता। अली रजी अल्लाह अन्हु रसूल हसन के चचा के बेटे थे, तो अम्मा आयशा के ना महरम थे, तो अम्मा आयशा का घर कितना बड़ा था, एक हुजरा था, तो हुजरे में अली बैठे रहते थे। मुमकिन है नहीं है, यानी बात का कोई सर पैर जोड़ो, क्या कर रहे हो, बेकार बात। और रसूल वसल्लम ने कहा कि अली की शक्ल देखते रहना अजर है। अच्छा चलो एक लम्हे के लिए मान लो, तो मस्जिद में बैठ कर देख लो, जरूर घर आकर देख रही, तो अली की एक फोटो लगा लें घर में। अगर किसी की शक्ल देखना बाई से अजर है, तो फिर तस्वीर साजी की इजाजत होनी चाहिए ना। हमारा क्या कसूर है कि हम अली को ना देखें, तस्वीरें छोड़ जाते अली की और हम लगा कर देखते, हमारा अजर क्यों कम हो, है कि नहीं। इतनी बेकार बात, मैंने यही उस पर उनसे अर्ज किया कि भाई पहली अगर किसी सुन्नी आलम ने भी बात लिखी या शिया ने, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मसला ये है कि अगर ये हदीस है, क्योंकि इसको हदीस करार दिया जा रहा है, हदीस का रेफरेंस क्या है, किस किताब से ली गई, कहाँ से ली गई, किस मुहदीस ने बयान की, किस सहाबी ने बयान की, हजरत आयशा अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के किस स्टूडेंट ने बयान की, क्या चेन है इसकी। तो बात ये नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है, किताबों में तो बड़ा कुछ लिखा जाता है, किताबें तो उमराव जानी अदा जैसी भी है, किताबों का क्या है, लिखने को जिसका जो दिल चाहे आए उस पर लिख दे। दुनिया में घटिया से घटिया किताबें मौजूद है, तो किताब में लिखा होना इज नॉट इनफ, उसका रेफरेंस होना जरूरी है, और फिर वो रेफरेंस भी जरूर तस्दीक करना चाहिए हमें, अगर कोई बहुत खास बात हो, ठीक है। तो